रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिनकी आईपीएल के 12वें सीज़न की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई और उनका जो एक टैगलाइन है प्ले बोल्ड, और उनके कप्तान ने प्ले बोल्ड के जैसा ही एक डिसीजन लिया है, बिल्कुल बोल्ड डिसीजन। विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी छोड़ दी है लगातार 3 मैचों के हारने के बाद। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारी आज की हार की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, ये काफ़ी भयानक हार है और मैं अपनी कप्तानी छोड़ रहा हूँ। और इसी के साथ विराट कोहली ने नए कप्तान के नाम की भी घोषणा कर दी। उन्होंने युजवेंद्र चहल का नाम कप्तान के रूप में बताया और अब 4थे मैच से युजवेंद्र चहल आरसीबी की कप्तानी करेंगे। जाहिर सी बात है, युजवेंद्र चहल एक चालाक क्रिकेटरों में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा कोहली ने यह भी कहा कि वो चहल को इसी तरह ट्रेन करना चाहते हैं जिस तरह से माही भाई ने अश्विन को किया, हालांकि वो नहीं चाहते कि चहल कभी किसी को मैनकाइंड करे। इसके अलावा विराट कोहली का मानना है कि चहल आरसीबी के बिल्कुल रेगुलर प्लेयर हैं और वो हर मैच खेलते हैं और इंडियन टीम के भी रेगुलर प्लेयर हैं। इसके लिए चहल से अच्छा कोई खिलाड़ी हो ही नहीं सकता और चहल इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से संभालेंगे। जाहिर सी बात है, विराट कोहली की कप्तानी पर अब हर कोई सवाल उठाने लगा था क्योंकि पिछले 7 सीजनों से विराट कोहली आरसीबी के कप्तान है, लेकिन आरसीबी सिर्फ 2016 में फाइनल खेली थी। इसके अलावा उनका प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा है और हर बार आईपीएल में आरसीबी की शुरुआत ही इतनी ख़राब होती है कि उनके पास कोई मौका नहीं होता। जाहिर सी बात है, आरसीबी इस वक्त जिस कंडीशन में है, एक बात तो साफ है कि उनका मनोबल काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। विराट कोहली एबी डिविलियर्स के होने के बावजूद आरसीबी का मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बाकी सभी टीमें तैयार हैं उनसे 2 पॉइंट लेने के लिए, और यही कारण है कि विराट कोहली ने एक कड़ा फैसला लिया। विराट कोहली की कप्तानी पर इसलिए भी सवाल उठ रहे थे क्योंकि जब वो खुद कप्तान है और उनको हर सीज़न दिखती है कि आरसीबी की बॉलिंग बहुत कमज़ोर है, इसके बावजूद ऑक्शन में आरसीबी किसी अच्छे बॉलरों को नहीं खरीदती और ख़ास करके इंडियन अच्छे फास्ट बॉलरों पर आरसीबी का ध्यान कभी नहीं जाता। यही कारण है कि आरसीबी पूरे आईपीएल में उमेश यादव पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है और यही कारण है कि आरसीबी इतना आईपीएल में अच्छा नहीं कर पा रही। खैर जो भी हो, एक बात तो साफ है कि विराट कोहली काफ़ी के मानसिक रूप से विराट कोहली को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची है इतनी शर्मनाक हार से, और इसीलिए उन्होंने तुरंत कप्तानी छोड़ दी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।